Hello everyone, welcome back to my channel Recipe of Taste. So today I am going to show you how to make muffins at home without oven. So let's get started. For making muffins, we need 2 cups of all-purpose flour, which is maida, 1 tablespoon baking powder, 3/4 bowl of ghee melted and cooled down to room temperature, 1/2 a bowl of powdered sugar, 3/4 bowl of brown sugar, 1/2 a bowl of milk at room temperature, 2 large eggs at room temperature, 1 teaspoon vanilla essence, 1 bowl of choco chips, and 1 bowl of dark chocolate. तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ा सा बर्तन लिया है और मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इस पे एक स्टैंड रख दिया है। मैं इस बर्तन को 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखूंगी और उसके ऊपर ढक्कन चढ़ा दूंगी। अब मैं एक बाउल ले लूंगी और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूंगी। सबसे पहले इसमें डलेगा एक बड़ा बाउल मैदा और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दूसरा बाउल लेंगे। सबसे पहले इसमें डलेगा घी। मैंने इस घी को मेल्ट करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा किया हुआ है। इसके बाद इसमें डलेगा 1/2 बाउल पाउडर्ड शुगर का और 3/4 बाउल ब्राउन शुगर का और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इनका एक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। हम इस पेस्ट को इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। इसमें जो मैंने पाउडर शुगर यूज़ किया है वो एक्चुअली मैंने वाइट शुगर में 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च का डाला था और उसे ग्राइंड कर लिया था। ये वही है, ये मिक्स भी इजीली हो जाता है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये अब एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 अंडे। ये अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और अब हम इन अंडों को इस पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छा स्मूथ पेस्ट बन गया है, वापस अच्छे से मिक्स हो गए अंडे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे दूध। हमें ध्यान रखना है कि दूध भी रूम टेम्परेचर पे ही हो और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए, इसको मिक्स करते रहना है अच्छे से जब तक ये एकदम स्मूथ ना हो जाए। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये ड्राई इंग्रेडिएंट को इस पेस्ट में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मिक्स करते समय सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कोई भी लंप फॉर्म ना हो और ये एकदम स्मूथ पेस्ट बने। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया और इसमें एक भी लंप फॉर्म नहीं हुआ है। आप ये चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं विस्कर के अलावा। अब हमें यही स्टेप दोहराना है बार बार। बस थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच इंग्रेडिएंट ड्राई इंग्रेडिएंट को बचा ले। हम अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अब जो हमारे पास बचा हुआ ड्राई इंग्रेडिएंट्स था उसमें हम चॉको चिप्स और डार्क चॉकलेट को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये अब डालेंगे इस बैटर में और इनको वापस से मिक्स करेंगे हम अच्छे से। अब बेकिंग में सिर्फ ये ध्यान रखिए कि बेकिंग में कभी भी ओवर मिक्सिंग ना करें।
अब मैंने ये मोल्ड्स ले लिए हैं, मफिन मोल्ड्स, और मैंने इसमें ये पेपर कप्स रख दिए हैं। अब हमारा बैटर रेडी हो चुका है और हम इस बैटर को इस मोल्ड में डाल देंगे। हमेशा ध्यान रखें कि आप मोल्ड को बैटर से पूरा भरे ना, बैटर को आप मोल्ड के आधा तक ही रखिए ताकि बेक करते टाइम ये बैटर जो है वो ओवरफ्लो ना करे। अब मैं बाकी सारे मोल्ड को भर लेती हूँ। इन केस अगर आपके पास पेपर कप्स नहीं है तो आप ये मफिन की मोल्ड को ग्रीस कर लें ऑयल या बटर के साथ और आप इसे यूं ही इसमें पोर करके बेक कर सकते हैं। अब मैं ये बैटर के ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दूंगी। और इसमें एक चंक डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट का डाल दूंगी। अब आते हैं हमारे होममेड ओवन पे। मैं ये जो मोल्ड्स हैं इन्हें इस प्लेट पे लगा दूंगी। मैंने ये प्लेट लगा दिया यहाँ पे और अब हम इन्हें बेक करेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए और वो भी मीडियम या लो फ्लेम पे। हम इसे ढक देते हैं। ये अच्छे से बेक हो चुके हैं और आप ये चेक कर सकते हैं किसी टूथपिक या नाइफ को इसके अंदर इंसर्ट करके। सो हमारे मफिन रेडी हैं और ये एक बहुत ही आसान तरीका है घर पे मफिन्स बनाने का बिना ओवन के। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन गिवन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाई।